नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। एक हेल्दी एनवायरनमेंट को समझना और उसको बरकरार रखना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस महत्वता को समझने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है रोल ऑफ प्लांट्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है प्रोफेसर सुनीता फारकिया जी, जो कि एनसीईआरटी के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है, और साथ ही मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पलता वर्मा जी, जो कि इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम वायु प्रदूषण और पौधों के जुड़ाव के बारे में। और पहले कि हम अपना चर्चा शुरू करें, चर्चा की शुरुआत में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे आज का एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप हमारा पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल को सर्च कर सकते हैं, एंड देयर यू कैन फाइंड द एनवायरमेंट पॉल्यूशन एपिसोड देयर। तो मैम, आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्लांट्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। तो क्यों ना हम ब्रीफली पहले समझ लें कि एयर पॉल्यूशन क्या है। हमने अपने जो पहले के एपिसोड में चर्चा में हमने ये बताया था कि पोल्यूशन किस किस प्रकार का होता है, जिसमें हमने एयर, वाटर, नॉइस और लैंड पोल्यूशन की बात की थी, और ज़्यादा हमारा इम्फेसिस था एयर पोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि उस समय दिवाली हमारी आने वाली थी। तो हमने एयर पोल्यूशन को डिटेल में बताया था, स्मॉग क्या होता है इस पर भी चर्चा की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हमारे ब्लड को इफेक्ट करती ये भी हमने बताया था। और वहाँ पर उस समय हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या इन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इस पोल्यूशन को कम करते हैं, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने ये आज का अपना विषय चुना है। ओके मैम, तो आगे आपने बात करी थी पिछले एपिसोड में कि कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो एयर पॉल्यूशन के लिए भी क्या कुछ पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ, एयर पॉल्यूशन का हमने जैसे पहले चर्चा की थी कि डस्ट पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो, और स्मोक की भी हमने चर्चा की थी। इन सब के साथ हमने हार्मफुल केमिकल्स की चर्चा की थी, जो हानिकारक रसायन हैं जो लगातार पॉल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बारे में हमने आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन हार्मफुल रसायन में मोस्टली आप देखेंगे तो बेंजीन है, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके अलावा ट्राइक्लोरोइथिलीन, ये भी लगातार निकलता रहता है ट्राइक्लोरोइथिलीन, और उसके अलावा ज़ाइलीन है और टॉल्यूइन है। okay. और इसके अलावा अमोनिया होती है जो लगातार हमारे जो एयर पॉल्यूशन है उसमें ये इसका कंट्रीब्यूशन लगातार चल रहा है। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन मोस्टली जो टबेको का धुआं होता है, उस टबेको का स्मोक जो होता है उससे बेंजीन निकलता है, और उसके अलावा ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में भी बेंजीन निकलता है, और मोटर व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जितने भी मोटर व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे भी बेंजीन निकलता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकलता है उससे भी, कारखानों से जो धुआं निकलता है उनसे भी बेंजीन निकलता है। बेंजीन के अलावा फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड एनवायरनमेंट से नेचुरली भी निकलता है, नेचुरली निकलता है, उसके साथ साथ कुछ हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हैं जिसके कारण फॉर्मेल्डिहाइड लगातार निकलता रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है, अगर हम देखें कि कौन सी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनसे फॉर्मेल्डिहाइड लगातार निकलता है, तो हम कहेंगे कि ये बायोमास का जो कंबशन होता है, एक तो उससे ये फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है, फॉरेस्ट फायर होती हैं, या कोई भी चीज़ अगर डिकम्पोज हो रही है जैसे वातावरण में, तो उससे भी फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है, और उसके अलावा वोल्केनो से भी फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। तो ये तो हुए नेचुरल प्राकृतिक रीजन, प्राकृतिक कारण जिसके कारण कि फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है।
उसके अलावा कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो मनुष्य की होती है उसमें भी कार्बो फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। जैसे कि हम देखें तो जैसे कुछ पावर प्लांट्स हैं जिनसे जिनसे जो उसके जो भी एफ्लुएंट्स हैं उनसे भी फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो प्राकृतिक और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दोनों से ही निकलता है और ये एयर के पॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। फिर ट्राइक्लोरोइथिलीन ये एनवायरनमेंट में जैसे हम कहते हैं ना मेटल क्लीनिंग के लिए हम जो जो यूज करते हैं या जो रेजिन्स हैं जो पेंट्स हैं घरों की घरों में वुडन फर्नीचर पे जो हम पेंट्स करते हैं या हम मेटल क्लीनिंग करते हैं या हम कोई भी क्लीनिंग के लिए जो जितना भी हमारे पास हम जो कुछ भी पदार्थ यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन सब में ट्राइक्लोरोइथिलीन निकलता है। तो इसलिए ट्राइक्लोरोइथिलीन हमारे घर के हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण निकलता है। उसके अलावा होता है ज़ाइलीन और टॉल्यूइन जो कि ऑर्गेनिक मैटर की बर्निंग से निकलता है। वुड और कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से भी ये टॉल्यूइन और ज़ाइलीन ये जनरेट होते हैं। और यूरिया तो हम जानते ही हैं कि जो भी जितना भी एक्सक्रीटा है उसमें से यूरिया निकलता है। उसके अलावा भी यूरिया को हम एज ए केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। तो वो सब जो है वो एयर पॉल्यूशन में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे जो एयर पॉल्यूशन में क्या क्या निकलता है और उसके क्या सोर्सेस हैं इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। ओके मैम, आपने बात करी बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आकांक्षा जी का। वो पूछना चाहती हैं कि बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड उन्होंने कहीं पढ़ा है वो कैंसर कैंसर को बढ़ावा देता है, तो ये सोर्सेस, खैर मैम बता चुकी हैं कि इनका सोर्सेस क्या है, लेकिन स्टिल शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे है, वो कैंसर को कैसे बढ़ावा देती है बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। हाँ देखिए, बेंजीन जो है ये हाइड्रोकार्बन है और जो बेंजीन रिंग है ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल है जो बेंजीन है और फॉर्मल्डिहाइड है ये दोनों ही। और जब ये एयर में होते हैं तो ये हमारे ऑब्वियसली जब हम इनहेल करते हैं तो हम उसमें जाते हैं और ये कार्सिनोजन है और हमारी जो हम जो एयर जो इनहेल करते हैं उसमें वो इनहिबिट करते हैं और इस तरह से वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। दे आर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। पुष्पलता जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो उसमें ये प्रश्न था इंडोर पॉल्यूशन, सो व्हाट इज इंडोर पॉल्यूशन। जैसे कि अभी सुनीता जी ने बात की कि जो भी ये सारे फैक्टर्स बताए हमारे आउटडोर पॉल्यूशंस के, कि जो भी व्हीकल्स का पॉल्यूशन होता है एंड फैक्ट्रीज का भी पॉल्यूशन है और जितना भी जो डस्ट उड़ रहा है या फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, लेकिन ये सब तो बाहर का हो गया। अब हम घर के अंदर की बात करें कि हमारे घर में जो है इनडोर दरवाजे के अंदर जो पॉल्यूशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारा दरवाजा गेट हम बंद रखते हैं अपने घर का, तो वो पॉल्यूशन कहाँ से आया। कि हमारे किचन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कुकिंग करते हैं उसमें भी आप देखते हैं काफ़ी सारा स्मोक भी निकलता है और जो हम ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी वेपोरेट होते हैं, उसकी ड्रॉपलेट्स भी जाती हैं इन्वायरमेंट में। जो फर्नीचर है हमारे घर में, जो फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, ध्यान कीजिएगा कि जब घर में नया नया फर्नीचर आता है तो उसकी एक अपनी स्मेल होती है, वो स्मेल सारी जो होती है उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो जैसा मैडम ने भी बताया कि पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल वो सारे घर के अंदर ही हमारे इकट्ठे रहते हैं। कारपेट है उसमें से भी निकलते हैं, जब पेंट होता है घरों में तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, ज़ाइलिन वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, तो ये सारे ही जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सारे घर के अंदर ही रहते हैं। तो इसीलिए जो इनडोर जो है मतलब घर के अंदर की हवा भी हमारी जो है वो पॉल्यूटेड होने लगती है, इसीलिए हम क्या करते हैं खिड़की और दरवाजे अपने खोल के रखते हैं ताकि बाहर की जो स्वच्छ हवा है वो घर के अंदर आए, जो अंदर की हवा है वो बाहर जाए, मतलब वेंटिलेशन होना घरों में बहुत ज़रूरी है ताकि जो इंडोर पोल्यूशन है इसको हम बाहर कर सकें। और इंडोर पोल्यूशन को दूर करने के लिए आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, आज हम इनके बारे में भी बताएंगे कि ये हमारे प्लांट्स जो हैं किस तरह से इंडोर पोल्यूशन को दूर करते हैं या कम करने में किस तरह से हमारी मदद करते हैं।
मैम, आपने टू टर्म्स मेंशन किए, वन इज इंडोर पॉल्यूशन एंड अदर वन इज आउटडोर पॉल्यूशन. तो मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच. देखिए, पुष्पलता जी ने अभी अभी बताया है इंडोर पॉल्यूशन के बारे में कि घर के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज उन्होंने बताई, उसके उसको हाईलाइट किया कि इंडोर पॉल्यूशन हमारे किचन के कुछ एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है, प्लस जो कारपेट वगैरह जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे भी इंडोर पॉल्यूशन होता है. जैसे मैंने भी अपने चर्चा में इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हम वुडन फर्नीचर वगैरह को जैसे पॉलिशिंग वगैरह करते हैं या कुछ रेजिन डाई, ये सब जो है इनसे इंडोर पॉल्यूशन होता है. ये जो इंडोर पॉल्यूशन है इसमें मोस्टली आप कहेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड तो बाहर आउटडोर पॉल्यूशन में ज़्यादा निकलेगा क्योंकि मोटर व्हीकल से हमें फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह की मात्रा बाहर ज़्यादा होगी. लेकिन इंडोर पॉल्यूशन के लिए ट्राइक्लोरोइथिलीन जो है वो इंडोर पॉल्यूशन में हमें ज़्यादा मिलेगा. ज़ाइलीन और टॉल्यूइन हमें इंडोर पॉल्यूशन में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बाकी जो दूसरे केमिकल्स हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, बेंजीन हुआ, क्योंकि बेंजीन भी हम टोबेको का जो धुआं निकलता है उससे भी बेंजीन निकलता है. तो ये डिपेंड करता है कि टोबेको बाहर ज़्यादा पिया जा रहा है, मतलब उसका स्मोक लिया जा रहा है, या अंदर ज़्यादा किया जा रहा है. तो इन दोनों से ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो इस तरह से जो एयर क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन में हो सकता है. क्योंकि बाहर जो है एयर का मूवमेंट होता रहता है, तो वो वहाँ से जैसे स्मोक है तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, लेकिन घरों के अंदर क्या होता है, एयर जो है ना स्टैटिक रहती है, इसलिए हम जैसे चिमनी या एग्जॉस्ट फैंस का यूज करते हैं ताकि एयर जो है, जो पोल्यूटेड एयर है वो बाहर जा सके. तो मैम, जैसा हमारे आज का चर्चा का विषय है रोल ऑफ प्लांट्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, तो हम उसको अब कैसे समझ सकते हैं, क्या रोल है प्लांट्स का एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में? तो मैं आपके लिए आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं आप ये प्लांट दिखाना चाहूंगी, एलोवेरा इसको बोलते हैं. ये सभी के घरों में ही पाया जाता है और सब लोग इसको लगाना भी पसंद करते हैं. ये जो है हार्मफुल है एलोवेरा. ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमने बताए, हमने चर्चा की आज, उन सभी में से कुछ कुछ जो सभी को ये एब्जॉर्ब करते हैं. ये सारे प्लांट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं वातावरण में से, एयर में से, इन सभी ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके एयर क्वालिटी को थोड़ा ठीक करते हैं. पुष्पलता जी, कुछ मेनली जैसे बेंजीन है और फॉर्मेल्डिहाइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और मतलब कुछ स्क्वायर फीट का एरिया भी जो है, अगर हम अपने रूम में इसको प्लांट को रखते हैं तो कुछ जो एरिया है वहाँ का, उसकी हवा में ये जो केमिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो इससे दूर हो जाएंगे. तो आप अपने रूम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए. ऑफिसेज में भी हम देखते हैं आजकल, तो मतलब ये क्रेज़ होता जा रहा है कि हाँ हमें प्लांट्स लगाने हैं ताकि प्लांट्स भी सेव हों और हम पॉल्यूशन से भी थोड़ा सा बच के रहें. दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आप सब लोग इसको भी पहचानते हैं. ये देखिए कितनी सारी वैरायटीज आज पुष्पलता जी लेके आई हैं हमारे साथ, बहुत सारी वैरायटीज लेके आई हैं. इसको स्नेक प्लांट कहते हैं. सेंसेवेरिया ट्राइफेसिटा इज इसका साइंटिफिक नेम है. ये देखिए, ये इसकी थ्री स्पीशीज हैं. ये सभी जगह आसानी से मिल जाएंगे. ये डॉर्फ स्नेक प्लांट है और ये भी स्नेक, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, मदर इन लॉज टंग प्लांट बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ये इसकी लीव्स जो है लंबी होती हैं. ये भी फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे कुछ केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और एयर को प्यूरीफाई करता है. ये देखिए एक और प्लांट है, ये है गोल्ड डस्ट, इसका नाम है, कॉमन नेम है गोल्ड डस्ट और इसका साइंटिफिक नेम है अक्यूबा जेपोनिका. ये देखिए, ये भी एक स्नेक प्लांट, ये भी एक प्लांट है जो एयर पॉल्यूशन को कम करता है.
तो मैम ये जितने प्लांट्स आप शो कर, आपने अभी तीन प्लांट शो किए, ये सारी इंडोर प्लांट्स हैं? हाँ, ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं और इनमें बहुत ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादा रख रखाव की भी जरूरत नहीं है? रख रखाव का तो ये है कि जहाँ तक हो सके हम जितना अच्छा रखेंगे उतना ही प्लांट ग्रो करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है ही। उसमें लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर के कुछ ये हो सकते हैं वेरिएशंस, लेकिन लाइट तो सभी प्लांट को चाहिए ही। और ये एयर क्वालिटी को तो कम, ये स्पाइडर प्लांट है जिसका नाम है क्लोरोफाइटम कॉस्मोसम। स्पाइडर प्लांट जो है ये हमारा ये स्पाइडर प्लांट है जिसका नाम है क्लोरोफाइटम कॉस्मोसम। ये स्पाइडर प्लांट, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और जाइलीन के कंपाउंड्स को इनको एब्जॉर्ब करता है और एयर को क्लीन करता है। ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं, अगर इनको हम अगर तेज धूप में रख देंगे तो इनकी जो पत्तियां हैं ये बर्न हो जाएंगी, इसीलिए अगर हमें गर्मियों में रखना है तो इनको हम एकदम छाया में रखें, और क्योंकि ये घरों में अच्छे से चल जाते हैं और इनका जो प्रोसेस है, जो भी प्लांट्स की जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो अच्छे इन चलते हैं। इनके लिए एक तो पानी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और लो मेंटेनेंस है। जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं ये लो मेंटेनेंस है, और इनका जो प्रोपगेशन है, अगर हमें इनको दूसरे गमले में मतलब करना है कि एक प्लांट से हमें दूसरा प्लांट बनाना है, तो बहुत ईजी है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसमें से आराम से निकल जाते हैं, जो नए पौधे निकलते रहते हैं। देखिए इसमें कितने सारे पौधे हैं, 1, 2, 3, 4 पौधे हैं, क्योंकि एक मदर प्लांट लाए थे उसी से ही ये इतना बड़ा ग्रो कर गया। इसके बीच में से ही स्पाइडर प्लांट का एक छोटा सा स्पाइडर जैसा निकलता है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा स्पाइडर प्लांट है, उसी को लेके हम उसको ग्रो कर सकते हैं तो वो नया प्लांट बन जाता है। मैम राहुल जी का एक प्रश्न आया है, वो समझना चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन जो है उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है प्लांट के, सो डू यू थिंक कि ये इतना इफेक्टिवली वर्क करेंगे, क्योंकि फॉर इंस्टेंस दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। हाँ, दिल्ली में तो काफ़ी एयर पॉल्यूशन है। ये देखिए, ये हमारा मनी प्लांट है, मनी प्लांट जिसका नाम है एपी प्रीमनम स्पीशीज, ये है मनी प्लांट जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करता है। ये हमारे यहाँ सभी के घरों में ये मिलता है। मनीष जी का जो सवाल है उसका रिप्लाई मैं देती हूँ, इस बीच हम कुछ पौधे और दिखा देते हैं। मनी प्लांट में इसमें भी देखिए ना, ये कहीं भी ग्रो हो जाता है आसानी से। हमने तो इसको सॉइल में रखा हुआ है, इवन क्या करते हैं बॉटल्स में पानी भर के भी इजीली एक इसकी ट्विंग लेते हैं और उसमें रख देते हैं, वो ग्रो करके प्लांट बन जाती है। इसके भी हमारे पास दो स्पीशीज हैं, एक तो ये हमारे पास है और दूसरा एक नीचे हमारा गमले में रखा है जिसमें लकड़ी लगी हुई है, उसमें हार्ट शेप लीफ हैं, वो भी मनी प्लांट है और वो भी जो है पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। हाँ, मनीष जी का जो सवाल था वो ये था कि एयर पोल्यूशन के रहते पौधों की जो फोटोसिंथेसिस है वो अफेक्ट करती है, और क्या उसके रहते, इतने एयर पोल्यूशन के रहते क्या ये वर्क करेगा कि इसका एयर पोल्यूशन हम इन पौधों को रख के कम कर सके? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मनीष जी कि ये यही पौधे हैं जो जो केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं और एयर क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के लिए तो जो ज़रूरतें हैं वो इन पौधों को मिलेंगी ही, क्योंकि जहाँ तक लाइट का सवाल है, अगर हमने इंडोर रखा हुआ है तो सनलाइट चाहे न मिले, लेकिन दूसरी लाइट जो एलईडी वगैरह या ट्यूबलाइट जलती रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है लाइट का, वो तो ब्लू से रेड तक है, और ब्लू लाइट वाला ब्लू लाइट जो है धीमी मध्यम लाइट तो उनको हमेशा मिलती रहेगी, तो वो जो मध्यम लाइट है उसमें उनकी फोटोसिंथेसिस होती रहेगी और उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी। वो इस मतलब इंडोर प्लांट्स हैं और अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है, और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आप अपने घर एक रूम में लगाइए, ऑफिस में लगाइए और बाहर भी लगाइए।
मे बी दे विल सी द डिफरेंस. नहीं, ये प्लांट्स जो किए हैं ये मतलब काफी रिसर्चेस हुई हैं, उसके बाद में ये फाइंड आउट हुआ है कि हाँ ये प्लांट्स जो है ये कब पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे ये प्लांट्स जो हैं ये आइडेंटिफाई किए. हाँ, नासा में भी ने भी रिसर्च की है इन प्लांट्स को लेके, और नासा ने ही अप्रूव किया है कि ये सारे प्लांट्स एयर पोल्यूशन को कम करते हैं. सो दैट मींस ये इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस करना चाहे तो नासा की वेबसाइट पे वो देख सकते हैं. ओके, सो मैम ये नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? हाँ, ये है ZZ प्लांट, इसको हम कहते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है ज़ेमियोकुल्कस ज़ेमिफोलिया. ये इसका साइंटिफिक नेम है. आप इन पौधों को ध्यान से देखिए और इनको पहचानने की भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने गार्डन में लगाए हुए हैं तो इनमें से आप कितने अपने घरों में शिफ्ट कर सकते हैं और कितने इनको बाहर रख सकते हैं. अब ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, कितना सुंदर पौधा है ये पुष्पलता. ये ड्रेसिना की एक स्पीशीज है. ये बहुत और भी कलर्स में आती है, ये रेड कलर्स में है, इसमें ग्रीन कलर भी आता है और लाइट ग्रीन कलर्स भी आता है. और हम नीचे भी हमने रखी हुई है, दो तीन वैरायटीज हैं इसकी. ये भी जो है जो केमिकल्स हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ये ड्रेसिना जो है मेडिसिनल प्लांट भी है ये, इससे एक मेडिसिन बनती है जो मेडिसिन के रूप में यूज होती है. अब मैम मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि इन सारे प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है, तो इन सब का साइंटिफिक नेम क्यों गिवन है? हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में अलग अलग एरियाज हैं और अलग अलग एरियाज में पौधों के को अलग अलग कॉमन नेम्स हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से मैं अमरूद का एग्जांपल लेती हूँ. अमरूद है, कुछ लोग कहते हैं उसको अमरूद, कुछ कहते हैं जाम, कुछ कहते हैं जामफल, और कुछ एरियाज में ये कहलाता है बिही, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्वावा, और इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है. तो जब डिफरेंट एरियाज से लोग मिलेंगे और वो अगर कहेंगे कि भाई बिही में ऐसा होता है या बिही की ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमने नोटिस की है, क्योंकि देखिए हम हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हुए लर्न भी करते हैं. तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बिही की ये प्रॉपर्टीज हैं, तो जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा कि बिही क्या है. तो एक इंटरनेशनल फोरम पे एक इन सब सबको इंटरनेशनल फोरम पे अगर हम मिले, तो उस पे अगर हम सिर्फ एक नाम रखें तो वो नाम उस नाम से ये जल्दी से ट्रेस हो जाएगा कि क्या ये कौन सा पौधा है जिसके बारे में ये इस एरिया से आए हुए व्यक्ति ये बता रहा है. तो इस सब के लिए मतलब उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम जान पाएं, इसके लिए उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए ये नाम जो है साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जीनस जेनेरिक नेम है और दूसरा साइंटिफिक नेम है, तो इसलिए ये साइंटिफिक नेम हमने लिए हैं. यूट्यूब में एक कॉमेंट आया है दस रथन जी का, और वो कह रहे हैं एनसीईआरटी इज ओनली फॉर हिंदी स्टूडेंट नॉट इन इंग्लिश, सो श्योरली वी विल रिप्लाई यू इफ यू विल आस्क एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश, श्योरली विल रिप्लाई इट. और अगर हिंदी में पूछेंगे तो हम हिंदी में रिप्लाई करेंगे. तो आप अपने डाउट्स हमसे पूछिए, हम दोनों भाषा में कंफर्टेबल हैं. मैम हाँ जी आगे बताइए आप प्लीज. ये मैं साइंटिफिक नेम्स की जो मैम बता रहे थे कि सारे मतलब कॉमन हर प्लेटफॉर्म पे हर लोग हर कोई इसको पहचान सके. अब जैसे यहाँ पे ये ZZ प्लांट की बात है तो इसमें भी इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ, कहीं भी हर एरिया में, इंडिया में तो वैसे ही इतने रीजन है, हर रीजन की अपनी लोकल लैंग्वेज है, लोकल नेम्स है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी सारे प्लांट्स में वो एक ही नेम हमें मिलेगा. तो हम कहीं भी जाएं अगर हमें उसका साइंटिफिक नेम पता है तो हम उसको कहीं भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब कि जो अगर प्लांट या फ्रूट या जो भी है अगर इनका एक स्टैंडर्डाइज नाम रखा गया है और वो साइंटिफिक नेम के नाम से जाना जाता है, और रीजनल नाम जो है उनको वर्नाकुलर कहते हैं. और इज इट डिफरेंट,
मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, वर्नाकुलर नेम अलग है? वही वर्नाकुलर नेम और कॉमन नेम वही सेम चीज है। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ और पौधे देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ और पौधे हैं। ये पाम, एरिका पाम का गमला रखा हुआ है, ये इसकी पत्तियां देखिए, ये आपने हर जगह देखा होगा। आप जब भी कहीं जाते हैं, आप अगर मॉल्स में जा रहे हैं तो वहां भी आपने बहुत बड़े बड़े ये पौधे इसके देखे होंगे। आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो ये वाला पौधा जो है हमारा एरिका पाम का पौधा है। एरिका पाम जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड को एब्जॉर्ब करता है वातावरण से। ओके मैम, एक प्रश्न आया है, क्या ये सारे प्लांट्स डस्ट को भी डील करने में हेल्प करते हैं, जो इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं? नहीं, इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं कोई भी डस्ट को तो डील नहीं करते हैं, लेकिन हार्मफुल केमिकल्स को ये डील करते हैं। ओके डस्ट को अगर डस्ट हमें तो डस्ट को अगर हमें करना है तो जैसे हम अपने घरों में सफाई करते हैं, मेनली तो हमें सफाई रखनी है, स्वच्छता अपनानी है, हमें अपने घरों की भी सफाई करनी है। हम देखते हैं कि हमारे कारपेट पे कितना डस्ट होता है, तो आप अगर रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, कर्टन्स वगैरह हैं उन पे डस्ट रहता है, तो रेगुलर क्लीनिंग करेंगे तो घर में ये डस्ट जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ पे महिका जी का एक सवाल आया है, वो पूछना चाह रही हैं, इतने सारे पौधे आपने हमें दिखाए और समझाया उसके बारे में, बट हाउ टॉक्सिन उनसे रिमूव होता है, मतलब कि इन प्लांट्स को रखती हूँ अगर घर पे तो ये टॉक्सिन रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, अगर ब्रीफली बता पाए आप? इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। अभी हम आपको क्योंकि समय का हमें थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है और हमें इसका ध्यान रखना होगा, जहाँ तक ये सभी पौधों के एयर में से पॉल्यूशन को कम करने का सवाल है, हार्मफुल केमिकल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि पौधों में जो पत्तियाँ हैं उसमें ये होती हैं स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स की सहायता से वो गैसियस एक्सचेंज होती है। तो गैस जब अंदर जाती है तो देखिए हर पौधे में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है इसको हम हिंदी में चयापचय की प्रोसेस कहते हैं, उसमें वो दो तरह की होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, इन पौधों का की जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे है वो पाथवेज बिल्कुल उन पाथवेज में कहीं ना कहीं इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करने की स्टेप होती है और वो स्टेप ये फॉलो करते हैं और इस तरह से ये इन केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके मैम, यहाँ पे एक और प्रश्न आया है, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, दो वी आर लेस इन टाइम, लेकिन अगर आप कुछ बता पाए तो उसके बारे में। हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, तो वो आप एपिसोड हमारा देख सकते हैं। और इसके पहले हम कुछ और पौधों के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जो हमने कुछ पौधे जो हम यहाँ नहीं लेके आ पाए हैं, उसका हमने पावर पॉइंट में हम चाहते हैं कि आपको दिखा दें। ये देखिए, ये बेम्बू पाम है, ये भी एयर क्वालिटी को अच्छा बनाता है। ओके हाँ, एयर क्वालिटी को बढ़ाता है। ये है बनाना है, जिसका नाम है म्यूजा एक्यूमिनेटा। देखिए, बनाना हम सभी खाते भी हैं और बनाना ट्री जो है ये एयर क्वालिटी को की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट ये देखिए, ये है जर्बेरेटन डेसी, जर्बेरा जमेसोनाई। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, इसको अगर हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो इससे भी एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ये है देखिए, डम केन्स डिफेन बिचिया स्पीशीज है, जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। ये देखिएगा, ये जो पौधा है ये फोनिक्स रोबेलेनाई, ये ड्वार्फ डेट पाम है जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये पीस लीली है, स्पेथिफिलम स्पीशीज इसको हम कहते हैं, ये बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है, वाइट कलर का फ्लावर होता है और इसमें नाक के फन जैसा होता है ये,
ये बहुत ही सुंदर पीस लिली ये भी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे फाइकस स्पीशीज है। ये फाइकस के आजकल काफ़ी ऑर्नामेंटल हाइब्रिड्स आ गए हैं और ये सभी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, तो ये भी हम अपने गार्डन्स में लगा सकते हैं। तो ये सारे पौधे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक हमारी स्पीशीज फाइकस की रखी हुई है और जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हैं, आधी लाइट कलर ग्रीन है आधा डार्क है, और ये हमारा डम्प केन भी यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतने सारे प्लांट्स हैं और इतने सारे प्लांट्स के नेम्स और उनके कैरेक्टर्स, ये कैसे बच्चों को कैसे हम बता सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। आप जो है किसी भी प्लांट का पिक्चर लेकर के, यहाँ पे तो मैंने इनका नीचे नाम भी लिखा हुआ है, पिक्चर लेकर के आप ऐसे कार्ड्स बना के स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि वो उन प्लांट्स के नेम को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उनको प्लांट्स को देखकर आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हाँ, ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस हो सकती है जिसमें ये डिफरेंट, जो पुष्पलता जी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी लेके आई हैं जिसमें उन्होंने पौधों के चित्र लिए हैं और उसके नीचे उन्होंने नाम भी लिखे हैं, तो ये बच्चों को स्टडी करने के लिए इन फ्लैश कार्ड के थ्रू वो स्टडी भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप कुछ असेसमेंट भी दे सकते हैं कि ये जो जैसे पिक्चर दे दिया, उनके नाम को हमने छुपा दिया और उनसे पूछ लिया कि नाम क्या है, और बच्चे जो है उसको आइडेंटिफाई करें, तो इस तरह से वो हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास अब आखिर में दर्शकों के लिए एक सवाल है कि इसमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडोर एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, वेंटिलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडोर एयर क्वालिटी, मतलब घर के अंदर हमें एयर क्वालिटी को सही रखना है, मेंटेन करना है, तो इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, या फिर लाइट है, टेम्परेचर, तापमान है, या फिर वेंटिलेशन है, या फिर ये सभी जो कारक हैं इसके लिए हमें जिम्मेदार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे YouTube वीडियो पे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और मे बी नेक्स्ट टाइम इन आर वीडियो वी विल ट्राई टू नेम ऑल द पीपल हु हैव आंसर्ड इट करेक्टली। सो हमें आज सुनीता जी और पुष्पलता जी ने काफ़ी सुंदर तरीके से समझाया रोल ऑफ प्लांट इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और वो कहते हैं ना कि सेव एनवायरमेंट सेव लाइफ, सो इट्स अप टू अस वेदर वी वॉन्ट टू सेव आर सेल्फ और नॉट। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।